सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापूजी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। गुणागार संसार पारं न तो निराकार मूलं कुरियं निराज्ञान गोतीतमीशं निरीशं निरा करानं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं न तो कितने कितने उदाहरण दें आप। भोलेनाथ कठोर से भी कठोर हैं और कोमल से भी कोमल। हाँ, जैसे वृक्ष में पूरी कठोरता होती है लेकिन उसमें भी कोमल कोपलें फूटती है, एक ही वृक्ष में कठोरता भी है और कोमल कोपलें भी फूटती है। हमारे भोले नाथ कठोर भी हैं, महाकाल हैं और कृपालु भी। हाँ, वो कथा अक्सर आपने सुनी होगी, वो जो चोर चोरी करने आया और शिव जी के मंदिर में आ गया, तो गर्मी का महीना था, वो कलश शिवलिंग के ऊपर लगा था, तांबे का कलश, और उसमें से जो जलधारी होती है जल बाबा के ऊपर आ रहा था, तो चोर ने सोचा कि चलो पाप कर ही रहा हूं तो एक और पाप सही। कलश को उतारने के लिए उसने बड़ा प्रयास किया लेकिन जरा दो चार अंगुल छोटा पड़ रहा था। अब हुआ ये, बड़ा प्रयास किया चारों तरफ घूम करके कि वो कलश पकड़ ले, नहीं मिल पाया, नहीं पकड़ पाया। उसने सोचा कि चलो जब पाप कर ही रहा हूं तो शिवलिंग के ऊपर ही खड़ा हो जाऊं, और शिवलिंग के ऊपर खड़ा हो गया और भोलेनाथ एकदम त्रिशूल लेकर के प्रकट हो गए। वरम ब्रूही बेटे वरदान मांग, वरदान मांग। सामने बाबा को देखकर चोर तो बेचारा भयभीत कांपने लग गया। बाबा क्षमा करना, मुझे पता नहीं था बाबा आप यहां रहते हैं, मुझे पता नहीं था, क्षमा करिए मालिक। बोले नाथ ने मुस्कुराकर कहा, बेटे छोड़ ये सब बहानेबाजी, वरदान मांग, क्या चाहिए तुझे, आज मैं बहुत प्रसन्न हूं। तब चोर का मगज गया कि वरदान मांग, मैंने तो ऐसा कोई चढ़ाया नहीं कुछ आपके ऊपर, मैंने तो कुछ कोई मंत्र नहीं गाया। हां बल्कि मैं तो चोरी करने आया था आपके दरबार में और आप कह रहे वरदान मांगो। बोले नाथ ने कहा, बेटे अभी तक मैंने देखा कोई पुष्प चढ़ाया, कोई जल चढ़ाया, कोई अक्षत चढ़ाया, आज तूने तो कमाल कर दिया, तूने खुद को अपने आप को चढ़ा दिया, वरदान मांग, वरम ब्रूही। ऐसे कृपालु हमारे भोलेनाथ, प्रसन्न हो जाए तो त्रिलोक दे दे।
चुटकी बभूत में है खजाना कुबेर का। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापूजी के यूट्यूब चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।